नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो गया हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हम जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जो है लाइफ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन से किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रोसेस देखते हैं और जानते हैं किस प्रकार से हम सक्सेसफुली जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट यहां से सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जीवन प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन खोल लेना है और यहां आपको आधार नंबर सिलेक्ट कर लेना है और यहां ऊपर आधार नंबर लेने के बाद जो है आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। दोस्तों यहां हम अपना आधार नंबर डाल दे रहे हैं और नीचे यहां पर आप देख सकते हैं मोबाइल वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो कि आपके बैंक से लगा हुआ है वह मोबाइल नंबर यहां पर आपको डाल देना है। और उसके बाद जो है आपको जनरेट ओटीपी ये वाला जो बटन है इस वाले बटन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है थोड़ी ही देर में एक 6 डिजिट का ओटीपी आ जाता है, वह ओटीपी आपको यहाँ पर सेम टू सेम डाल देना है। दोस्तों जैसे ही हमें ओटीपी प्राप्त हो जाता है हमें ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। हम यहाँ पर अपना ओटीपी डाल दे रहे हैं और उसके बाद जो है हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पीपीओ नंबर, यहाँ आपको आपका पीपीओ नंबर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका स्पर्श वाला पीपीओ है तो वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और आपके पास स्पर्श वाला पीपीओ नहीं है किस प्रकार से आप अपना स्पर्श पीपीओ नंबर निकाल सकते हैं हमारे आगे की वीडियो में आने वाला है। इस प्रकार से हमने स्पर्श का पीपीओ नंबर ले लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक बाकी की जानकारी फिल हो चुकी है, पेंशनर्स का नाम आ चुका है, पेंशन टाइप आ चुका है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप आ चुका है, पीपीओ नंबर आ गया है, यहाँ पर हमें अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं जो कि हम स्पर्श पोर्टल के माध्यम से मतलब स्पर्श का जो है यहाँ पर हम लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर पेंशन का नाम, पेंशनर का नाम, पेंशन टाइप ये सब जानकारी दिखाई देती है। इसके बाद हमें यहाँ पर चेक ऑन कर देना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ हमें थंब लगाने के लिए मैसेज आता है बायोमेट्रिक स्कैन करने के लिए, तो हमें यहाँ पर चेक ऑन कर देना है और बायोमेट्रिक स्कैन ये वाले बटन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बायोमेट्रिक स्कैन बटन पर क्लिक करते हैं हमारा जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस हमारे कंप्यूटर से लगा होता है उसकी रेड लाइट चालू हो जाती है, हमें अपना थंब यहाँ पर लगा लेना है। और जैसे ही हमारा थंब लग जाता है थोड़ी ही देर बाद कैप्चर सक्सेस का मैसेज यहाँ हमें दिखलाई देने लगता है। यहाँ आपको थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि अभी सर्वर डाउन का जो है प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ हमें वेट कर लेना है। और जैसे एक बार में थंब नहीं आता है तो हमें दोबारा फिर से यहाँ पर बायोमेट्रिक स्कैन वाली बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं अभी सर्वर डाउन की समस्या के कारण यहाँ अलग अलग तरीके के मैसेज हमें शो हो रहे हैं, हम एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमारा बायोमेट्रिक सक्सेसफुल ले लेता है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हमारा प्रमाण आईडी नजर आ रहा है और नीचे पीपीओ नंबर यहाँ पे दिखलाई दे रहा है और यहाँ हमें हमारा फोटो जो कि आधार कार्ड में है सबमिट हमें दिखलाई दे रहा है। इसका हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसे सेव कर लेना है। उसके बाद जो है हमें क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। अब अगर हम चाहें तो दोस्तों हम अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आ जाएंगे, यहाँ पर jeevanpraman.gov.in साइट टाइप करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से साइट ओपन हो जाती है। यहाँ आपको ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ आपको प्रमाण आईडी डाल देना है और नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड आपको सेम टू सेम डाल देना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक कर देना है। थोड़ी ही देर बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है हमें ओटीपी प्राप्त हो जाएगा, वह ओटीपी हमें यहाँ पर डाल देना है।
दोस्तों हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर ओटीपी डाल दे रहे हैं, उसके बाद जो है हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा जो है लाइव सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखलाई दे रहा है, जिसे हम क्लिक हर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंप्यूटर पे जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपना सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लाइव सर्टिफिकेट से संबंधित सारी जानकारी कि आप किस प्रकार से लाइव सर्टिफिकेट सक्सेसफुल सबमिट कर सकते हैं और कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचितों में मित्रों में शेयर करें, ताकि भाई भी यह इस आवश्यक जानकारी का लाभ उठा सकें। और आपने अभी तक आपकी अपने चैनल बिग थिंक बड़ी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।